वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, जो कुछ अभी चल रहा है उसके बाद क्या एक नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मतलब कि नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या रहने वाला है, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स, ठीक है, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। कलेक्टिव रीडिंग है, फैमिली रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती होती है रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको पिका कार्ड देखनी है तो मेरे सेकंड चैनल पे देख सकते हैं, उसका लिंक मिलेगा आपको इस रीडिंग के कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे मल्टीपल टॉपिक्स हैं, पिका कार्ड हैं, तो आप जो भी चाहें देख सकते हैं, ठीक है। पिका कार्ड रीडिंग्स वहाँ पे अपलोड होती हैं, यहाँ पे डिटेल रीडिंग्स होती हैं। योर पार्टनर नेक्स्ट एक्शन नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। ओके, आपके पर्सन की लाइफ में बेहद ऑप्शन हैं या कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट मूव आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन काफ़ी हर्मिट एनर्जी में, आप बहुत टाइम से साइलेंट हैं, ठीक है। लॉट्स ऑफ ऑप्शन आपके पर्सन के पास, चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शन हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। इस पर्सन को पिक करने में मसला हो रहा है, चॉइस करने में मसला हो रहा है, डिसीजन लेने में मसला हो रहा है, करना क्या है नेक्स्ट, आपको चूज करना है या नहीं करना है, किस चीज़ को चूज करना है, किस रिश्ते को चूज करना है, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है, आपके पर्सन के माइंड में उस चीज़ को लेकर एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत हर्मिट एनर्जी में है, आपके पार्टनर किसी तरीके का चेंज आने वाला है नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में, चॉइसेस के बाद बहुत सी चीज़ें बदलेंगी, या तो बहुत अच्छी जाएंगी या तो बहुत नेगेटिव जाएंगी, ठीक है। क्लैरिफायर सेवन ऑफ कप्स, यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफायर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस स्ट्रांग है यहाँ पे, आपके पर्सन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, आपके पर्सन खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को यहाँ पर आपको आप तक पहुँचने के लिए आपके पर्सन को कोई डिसीजन लेना जरूरी है, पर्सन जानता है आप काफ़ी इमोशनल हैं, इस पर्सन के लिए एक बैलेंस ही पर्सनैलिटी है, आप काफ़ी एक केयरिंग पर्सन है, ये पर्सन आपको एक इस तरीके के पर्सन से की तरह दिखता है कि आप काफ़ी केयरिंग, नर्चरिंग, अंडरस्टैंडिंग ये आपके अंदर है, ठीक है। आप इस तरीके के इंसान हैं जो समझने वाला इंसान होता है सामने वाले को, तो आपके अंदर सामने वाले को समझने की एक वो है कि आप समझना समझेंगे, ठीक है। ओके, ये पर्सन आपको मिस करता है आपके साथ, सिर्फ आपका ही बॉन्ड नहीं है, इसके साथ आपका भी, इस पर्सन का भी है, ठीक है। ये पर्सन आपको एक चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, या तो आप लोग की मेमोरीज है एक साथ, पास्ट आप लोग का यहाँ पे पास्ट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। एक आप लोग के बीच एक बहुत मतलब कि एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये पर्सन कन्फ्यूज है क्या करे, इसको चूज करना है, कोई टावर मोमेंट आया, एक एक जैसे कि प्रायोरिटाइज करना है, इस पर्सन ने चूज करना है, आपके अलावा कुछ और जगह जरूर कर रहा है, फैमिली कर रहा है, काम कर रहा है, कैरियर कर रहा है, कोई और चीज़ें कर रहा है, लेकिन आपके साथ इस पर्सन का एक डिफरेंट किस्म का रिलेशनशिप है, ये पर्सन बंधा हुआ फील कर रहा है आपको चूज करने के लिए, आपकी तरफ एक स्टेप लेने के लिए बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील कर रहा है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप्स, यहाँ पे सिक्स ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप, आप वेट कर रहे हैं, आप मिस कर रहे हैं इस इंसान को, आप क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, आप चेंजेस चाहते हैं, सडन चेंजेस चाहते हैं, आप काफ़ी स्ट्रेसफुल हैं, आप बर्डन सम एनर्जी में, आप वेटिंग एनर्जी में, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, आप बहुत इमोशनल हैं इस इंसान के लिए, और ये बात इस इंसान को पता है, ये आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है, आपकी इमोशनल साइड को समझता है, आपको एक पेडिस्टल पे रखता है, इसको पता है आप जो इमोशंस इसके लिए कैरी करते हैं वो हर कोई नहीं कर सकता, आपके अंदर जो एक नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है वो एक मदर लाइक है, एक फादर लाइक है, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव, आप काफ़ी प्रोटेक्टिव रहते हैं इस इंसान को लेकर, आप काफ़ी समझते हैं, सोचते हैं, आप एक स्ट्रेस में हैं, आप जिसे कि सारे पूरे रिलेशनशिप का बर्डन आपके ऊपर है, मिस आपको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ वो, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी कन्फ्यूज है, इस पर्सन की लाइफ में बहुत सी चॉइसेस हैं, अभी तो खैर ही आपसे बात करेगा, लेकिन बहुत आपके लिए एक सीरियस एक्शन ले रहा है या आपके लिए डिसीजन ले रहा है तो ये नहीं है, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, टू ऑफ कप्स यहाँ पर आप लोग के बीच एक म्यूचुअल लव, ठीक है, आप इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ एक म्यूचुअल लव चाहते हैं, आपके पर्सन के अंदर भी लव है लेकिन आपको चूज करना काफी डिफिकल्ट है। क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स, यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स, यहाँ पे टू ऑफ कप्स क्यों आया है, पाइसेस हो सकता है ये इंसान, ओके
मैरिज कमिटमेंट स्टेबिलिटी, आपके पर्सन इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर काफी क्लियर हैं आपको लेकर, ये पर्सन जानता है आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है फैमिली को लेकर या एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर कोई इशू है आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पर्सन को आपके साथ एक अच्छी फीलिंग्स आती हैं, आपके पर्सन का लव म्यूचुअल है आपको लेकर, ठीक है, एक लविंग एनर्जी म्यूचुअल है, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस भी हैं, तो आपके पर्सन काफी नर्वस हैं चॉइसेस को लेकर, बहुत श्योर नहीं है, बहुत से लोग हैं जो आपके पार्टनर की एक जो पर्सनैलिटी है उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इश्यूज कहाँ आ रहे हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ कोई न्यू स्टेप, यहाँ पर ग्राउंडेड स्टेबिलिटी, ये पर्सन मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है, स्लोली बट श्योरली, लेकिन यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट, शायद आपके पर्सन को एक आपके साथ कन्वर्सेशन, एक ओपन कन्वर्सेशन, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, यहाँ पर शायद ये पर्सन आपको अपनी प्रॉब्लम क्लियर कट बता नहीं पा रहा, ठीक है, चलता है, एट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, यहाँ पर सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, होपलेस हुआ हुआ है कहीं ना कहीं, इसको ऐसा लगता है अगर ये आपसे बात कर ले, आपको सब कुछ बता दे, मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन आपके साथ एक क्लियर कट कम्युनिकेशन, ठीक है, ये पर्सन एक होपलेस एनर्जी आ चुकी है आप लोग के रिलेशनशिप में, शायद बहुत टाइम गुजार दिया इस इंसान ने या बहुत लेट कर दिया आपको इस डिसीजन पे आते आते तक, आपको स्टेबिलिटी बैलेंस देना चाहिए, इस पर्सन की लाइफ में ऐसा हो सकता है कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल रही है, ठीक है, इसलिए अनक्लियर रहा है, फैमिली की तरफ से अनक्लियर रहा है कि आपकी आपकी तरफ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, एक हर्मिट एनर्जी है, मतलब के सही रास्ता, एक इंटरनल सर्चिंग बहुत है, एक इंटरनल ये पर्सन बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, आप लोग फ्रेंड्स थे एक साथ, ठीक है, एक रिलेशनशिप में एज अ फ्रेंड आप लोग कनेक्ट हुए थे, आप इधर इस पर्सन से क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, ये आपको लेकर क्या सोचता है, इसके माइंड में आपको लेकर क्या चलता है, ये पर्सन क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है डिवाइन की तरफ से, क्या इस इंसान को इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये रिश्ता इसके आने वाले फ्यूचर के लिए बैलेंस रहेगा, स्टेबल रहेगा, टू ऑफ कप्स की एनर्जी, मुझे बैलेंस्ड लव, इक्वल लव नजर आ रहा है, ठीक है, एक इस पर्सन के अंदर भी चाहते एक स्टेबल फैमिली हो, मैरिज हो, कमिटमेंट हो, एक सेल्फ फोकस हो, ये पर्सन उस जगह काम करे जो उसके लिए रिश्ता बना है, मतलब कि जहां पर इसको एफर्ट करनी चाहिए, आपके पार्टनर काफी एक स्टबर्न माइंडसेट के हैं, बहुत टाइम लगाया आपके पार्टनर ने, बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है एरोगेंट पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा एक मतलब कि सेल्फ सेंटर्ड इंसान, बहुत ज्यादा सोचना समझना, माइंड गेम्स इसने खेले हो सकते हैं पहले आपको समझने के लिए, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इस इंसान को, लेकिन इसकी लाइफ में बहुत कुछ है, मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सब कुछ कैरी करता है, ठीक है, थोड़ी सी स्टकनेस इसकी लाइफ में मुझे इसके माइंडसेट में अभी भी नजर आ रही है, थोड़ी सी ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन अभी ये मैरिज को लेकर सीरियस हो रहा है, शायद पहले मैरिज को लेकर सीरियस नहीं था, मैरिज करना नहीं चाह रहा था ये इंसान, ठीक है, आप लोग के रिलेशनशिप में एक होपलेस एनर्जी है, शायद आप लोग का एक बॉन्ड नहीं रहा, आप अवेकिन हुए हैं कहीं ना कहीं इस एनर्जी को देखकर, आप यहाँ पर बहुत टाइम से मैरिज और कमिटमेंट का सोच रहे थे, आप होपलेस हुए हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है, आप बहुत ज्यादा एफर्ट या बहुत ज्यादा आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आपने बहुत टाइम तक वेट करा चेंजेस का, आप एक सोलमेट की तरह इस इंसान को देखते रहे, आप इन्वेस्ट करते रहे और स्ट्रेस उठाते रहे, लेकिन बहुत टाइम तक वेट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड नहीं मिला, क्लेरिफाई फाइव ऑफ कप्स, हाँ यहाँ पर बातें नहीं हो रही आप लोग की, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है, जो आपने होल्ड करके रखा है वो आप इससे बात करें, जो आप एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप इससे क्लियर कट टॉक चाहते हैं, आप नहीं चाहते घुमा फिरा के बिल्कुल बात करें, आप दोनों एक दूसरे की तरफ कोल्ड हुए हुए हैं और एक दूसरे को स्टॉकिंग एनर्जी से देख रहे हैं, ठीक है, आपको एक दूसरे के लिए क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर या तो ये साइकिल स्टेबल हो गया, तो यहाँ पर आप लोग की मैरिज होगी, एक साइकिल क्लोज होगी मैरिज या कमिटमेंट होगी, या तो यहाँ पर एक साइलेंट एनर्जी है, ये सिचुएशन हील हो रही है, मैं आपको बता दूं आप लोग का रिश्ता काफी डिफिकल्टीज से गुजरा है, लेकिन बैकग्राउंड में सिचुएशन हील हो रही है, आप दोनों एक दूसरे से कोल्ड हुए हैं, एक फेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आप अपनी जगह स्टेबल हो चुके हैं, मेंटल स्टेबिलिटी आपको मिल चुकी है, आप दोनों एक साइलेंट इंट्यूटिव एनर्जी पे हैं, हीलिंग हो रही है आप दोनों की, ठीक है, बैकग्राउंड में दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, दोनों की लाइफ में बहुत से ऑप्शन है, लेकिन एक दूसरे के अलावा कोई भी आप दोनों को जैसे कि सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, कोई भी ऑप्शन आपकी लाइफ में भी ऑप्शन है, इस पर्सन की लाइफ में भी ऑप्शन है, लेकिन ना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ये इंसान आपके अलावा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पा रहा है, ओके गुड, दोनों को एक दूसरे की चाहते हैं, यहाँ पे रिलीजियस कास्ट फैक्टर हो सकते हैं, एक मेजर इशू हो सकता है आप लोग के बीच,
रिलीजियन डिफरेंसेस हैं, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं, इश्यूज मतलब कि कुछ इस टाइप के हैं, आप लोग की ट्रेडिशनल वैल्यूज डिफरेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आप लोग के लिए है, मैरिज कमिटमेंट के लिए आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस कास्ट फैक्टर, मुझे ये डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं शायद, ठीक है। आप लोग का बैकग्राउंड डिफरेंट है, इस पर्सन का बैकग्राउंड डिफरेंट है। क्या फायदा हर्मिट, सॉरी द हायरोफेंट, ये पर्सन आपको एक ट्रेडिशनल पर्सन की तरह देखता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। आप इसकी मतलब कि आप इसके जो भी इसका एनवायरनमेंट है आप उसमें घुल मिल जाएंगे, ये इंसान जानता है। अगर आपकी तरफ आता है एक पीस आएगा इसकी लाइफ में, एक बैलेंस आएगा, ठीक है। कितने ही आप इसकी ज़िंदगी से, इसकी इसकी लाइफ स्टोरी से डिफरेंट हो, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसकी लाइफ में, इसकी ज़िंदगी में मर्ज हो सकते हैं, मैरिज चीज़ें हो सकती हैं, आपके साथ एक अच्छी फीलिंग्स आ सकती हैं, आपको ये अपनी लाइफ में लेकर चल सकता है, ठीक है। ये इंसान आपको, आप कितने डिफरेंट कास्ट कल्चर या सोसाइटी से आ रहे हैं, माइंडसेट से आ रहे हैं, ये पर्सन जितना आपको समझा है, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसकी मदर की तरह हैं, इसकी लाइफ का मदर, जैसे कि एक मदर इसकी है कि बहुत ज़्यादा समझने वाली, घुल मिल जाने वाली, चीज़ों को सॉल्व करने वाली या पीस क्रिएट, आप भी एक पीस मेकर हैं, ठीक है। ये पर्सन ये चीज़ जानता है, आपसे जितनी बातचीत हुई, आप लोग के बीच मुझे कन्वर्सेशन नहीं नज़र आ रही, या तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं है, आप लोग के बीच एक मेंटल ब्लॉकेजेस और एक स्ट्रेस की एनर्जी है, या तो आप लोग उस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे जिस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। आपके पार्टनर के बाहर आपके माइंड, आपके पर्सन के माइंड में मैरिज चल रही है, अगर आपके पर्सन ने यहाँ पर एक नेक्स्ट स्टेप लिया तो आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है, कोई स्टेबल कमिटमेंट ऑफर मिल सकता है, क्योंकि ये इंसान वो है जो आपके बारे में सोच ही नहीं रहा था मैरिज के बारे में, या आप बहुत टाइम से चाह रहे थे इस चीज़ को लेकर सोचे, ठीक है। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस पॉइंट पर आए, या कमिटमेंट फोबिक है, या मैरिज को बहुत बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, ये सब चीज़ों में आता नहीं है, मतलब कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, मुझे कोई डिस्टेंस वाली एनर्जी फील हो रही है आप लोग के बीच, या तो आप लोग दूर हैं एक दूसरे से, डिस्टेंस एनर्जी पे रहते हैं, या आप लोग की इतनी इतनी मुलाकात, इतना मिलना नहीं हुआ है, आप लोग की कम्युनिकेशन बहुत स्लो रही है, लो रही है, कुछ इस टाइप की एनर्जी रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप लोग को मेंटली स्टक करता है, मेंटली ब्लॉक करता है, ठीक है। ओके, मेरे व्यूवर्स को यहाँ पर करना क्या चाहिए, आप वेट कर रहे हैं, इस इंसान का माइंड प्रिपेयर हो रहा है, ये इंसान आपको अपनी फैमिली में कितने डिफरेंसेस है, इस इंसान को, इस पर्सन को आपको जान के बस ये चीज़ समझ में आई है, आप एडजस्टेबल इंसान है, आप कहीं पर भी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, आप कहीं पर भी समझ लेंगे, आप काइंड हार्टेड हैं, आपके अंदर जेनरोसिटी है, आप में रिश्ते, आपको आप रिश्तों की वैल्यूज को जानते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बहुत कुछ होता है उनके पास, लेकिन रिश्तों की वैल्यू करना नहीं आती, रिलेशनशिप्स को समझना नहीं आता, ठीक है। कम होम टू योर सेल्फ, आप अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहें, अपने सेल्फ की तरफ वापस आ जाएं, आपने अपने सेल्फ को खोकर इस पर्सन के साथ वो सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करी है जो अच्छा हो जाए, ठीक है। हाउ दैट्स फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर, चीज़ें अपने टाइम पे, अपने आपका जो भी आपकी लाइफ में टावर है, जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी की बिखरी हुई हैं, आप अभी अभी भी काफ़ी बिखरा हुआ फील करते हैं, आप अभी भी ऐसा लगता है अब तक इसको एहसास नहीं हुआ, हो रहा है वो स्लो स्लो स्लो, जैसे कि कुछ अच्छा होता है तब भी बहुत स्लो होता है, तब कुछ बुरा होता है तो बहुत स्लो होता है, कुछ सडन आप लोग के बीच एक आफत नहीं आती है, प्रॉब्लम नहीं आती, तो अच्छे होते हुए भी टाइम लगता है और बुरा होते हुए भी टाइम लगता है, तो एक अच्छा कुछ आपकी लाइफ में बैकग्राउंड में हो रहा है लेकिन स्लो, ठीक है। योर पोटेंशियल इज एंडलेस, आपका पोटेंशियल एंडलेस है, इस रिश्ते ने, इस कनेक्शन ने, इस पर्सन के डिनायल ने, इस पर्सन के एक्सेप्ट ना करने ने एक आपका एक एंडलेस एंडलेस पोटेंशियल तक आपको बचाया अपने सेल्फ के, ठीक है। यहाँ पे फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ, ठीक है। इस वक्त, इस टाइम, इस चीज़ें जो हो रही हैं उसको समझें, उसको सुने, ठीक है, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यहाँ पर एंडिंग्स हो गई हैं, नेगेटिविटी की, नेगेटिव सिचुएशंस की एंडिंग्स हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे है यू कैन ऑलवेज री राइट योर स्टोरी, आपको हमेशा ये राइट दिया गया है डिवाइन की तरफ से, आप हमेशा अपनी स्टोरी को दोबारा रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। सारी प्रॉब्लम्स हैंड हो चुकी हैं, सारे इश्यूज खत्म हो चुके हैं, मेक द चेंज, एक चेंज लेकर आए, ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, चेंज लेकर आए अपने सेल्फ को, आपको ऑनेस्ट रहें अपने सेल्फ के साथ सबसे पहले, और एक चेंज लेकर आए, पूरी जो भी आप लोग की कंडीशन है उसको बदलें, ठीक है, बैलेंस लेकर आएँ, एक चेंज लेकर आएँ, कुछ किसी तरीके का चेंज आप इस रिलेशनशिप में कर सकते हैं तो उसको करने की कोशिश करें, ठीक है। आपको अपने सेल्फ में लेकर आना है ये चेंज,
कोई चेंज आप में जरूर लेकर आना है आपको, ठीक है, अपने आप में उसको डे बाय डे एक बेहतर चेंज की तरफ लेकर जाते रहे, ठीक है। आपका सेल्फ एक बेहतर जगह पे जाना चाहिए, एक अच्छी जगह पे होना चाहिए, ठीक है। आपने बहुत ऐसी चीजें सृष्टि में फेस करी होंगी जिसने आपके सेल्फ को बार बार बताया, अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो, अपने ऊपर काम करो, अपने सेल्फ को बेहतर करो और बेहतर से बेहतर करो, ठीक है। तो ये चीज आपने सृष्टि में बहुत ज्यादा फील करी होगी। यहाँ पर आपके पर्सन ने आपको बैलेंस नहीं दिया, इक्वल गिव एंड टेक आपकी चाहत रही है, इस रिश्ते में आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। आपके पर्सन ने बहुत कुछ होल्ड बैक करके रखा है आपसे, ठीक है, बहुत सी चीजें आपसे हिडन है। आप यहाँ पर हमेशा से चाहते थे कि आपको बैलेंस मिले, इक्वल गिव एंड टेक मिले, आपको वो मिले जो आप चाहते हैं, या जो वो मिले जो आपके पर्सन इस रिश्ते में आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। आपका हीलिंग का टाइम है, ठीक है। एम्प्रेस, यहाँ पर आप एक एम्प्रेस की तरह है, फर्टिलिटी एंड मदरहुड, एक मदरहुड की तरह है, आपकी हीलिंग हो रही है, अपनी हीलिंग पे फोकस रहे हैं, आप एक स्टार की तरह हैं। अगर इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं तो आप ऐसे स्टार बनके दिखाएं जो सबसे ज्यादा शाइन करता है, जो सबसे ज्यादा बैलेंस है, जो सबसे ज्यादा एक प्रोडक्टिव है, ठीक है, जिसकी लाइफ में सबसे ज्यादा चीजें हैं। आपको किसी हर्ट से बाहर निकलना है, किसी ब्रोकन हार्ट एनर्जी से बाहर निकलना है, चाहे वो इसने क्यों ना दिया हो, ठीक है। यहाँ पे डू इट फॉर यू, ठीक है, अपने लिए करें, फॉरगिव, आपको माफ करना चाहिए अपने लिए, ठीक है। यहाँ पर तो डू इट फॉर यू, अपने लिए करें, अपने लिए आप सारे बर्डन उठाएं, सरेंडर करें, पूरी सिचुएशन को फॉरगिव करें, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।